इट इज द टॉपिक बेस्ट हिप रेशियो। आज हम बेस्ट हिप रेशियो WHR टॉपिक पे बात करेंगे। टुडेज टॉपिक इज बेस्ट हिप रेशियो। बेस्ट हिप रेशियो। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है WHR। टुडेज टॉपिक इज बेस्ट हिप रेशियो। बेस्ट हिप रेशियो WHR means क्या होता है? WHR means क्या होता है? बेस्ट हिप रेशियो। बेस्ट हिप रेशियो WHR means बेस्ट हिप रेशियो। एक कैसा होता है? दिस इज द रेशियो ऑफ दिस इज द रेशियो ऑफ बेस्ट। किसका रेशियो है? बेस्ट। दिस इज द रेशियो ऑफ बेस्ट टू दैट ऑफ द हिप। टू दैट ऑफ द हिप। ऑफ द हिप्स WHR का मीन्स होता है जो हमारा बेस्ट हिप रेशियो। दिस इज द रेशियो बेस्ट ऑफ दैट ऑफ द हिप्स। ये हमारा जो रेशियो बेस्ट और हिप दोनों ही का होता है। टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन टेस्ट एडमिनिस्ट कैसे किया जाता है? टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन इट इज कैलकुलेटेड बाई मेजरिंग द स्मॉलर सर्कमफेरेंस। इट इज कैलकुलेटेड बाई मेजरिंग द स्मॉलर सर्कमफेरेंस ऑफ बेस्ट एंड डिवाइडिंग बाई द हिप सर्कमफेरेंस एट द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ बकेट्स। जो हमारे वाइडेस्ट पार्ट होते हैं बकेट्स और हिप का। द रेशियो इज अप्लाइड बोथ टू मैन एंड वुमेन। ये जो रेशियो होता है अप्लाई किस पे किया जाता है? मैन और वुमेन दोनों पे किया जाता है। सो इट इज कैलकुलेट बाय मेजरिंग it is calculated by measuring the smaller circumference of the belly जो बेली से ऊपर होता है above the belly जो बेली से हमारे ऊपर का पार्ट होता है उसको हम कैलकुलेट करेंगे, उसका मेजरिंग करते हैं above the belly and dividing by the hip circumference and dividing by the circumference and the
widest part of and the widest part of buckets buttocks or hip or hips. Usually and ratio applied for and ratio applied both man and woman. ठीक, अब हम बात करते हैं. It is calculated by measuring the smallest circumference. ये कैलकुलेट किया जाता है, मेजर किया जाता है स्मॉलर सर्कमफेरेंस पे ऑफ द बेस्ट, बेस्ट का अबव द बेली, जो बेली के ऊपर का पार्ट होता है उसका हम मेजरिंग करते हैं, जिसको बेस्ट बोलते हैं. एंड डिवाइडिंग बाय द हिप सर्कमफेरेंस, और किसके द्वारा डिवाइड कराया जाएगा, हिप सर्कमफेरेंस से. एंड द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ बुटक्स और हिप, जो हमारे वाइडेस्ट पार्ट कौन से होते हैं, बुटक्स और हिप होते हैं. एंड रेशियो अप्लाइड बोथ मैन एंड वुमेन, और जो ये रेशियो होता है दोनों पे अप्लाई होता है, चाहे वो वुमेन हो या फिर मैन हो, तभी तो बेस्ट हिप रेशियो लिखा गया है. अप्लाइड फॉर बोथ बेस्ट एंड मैन एंड वुमेन, तभी लिखा हुआ बेस्ट एंड हिप, दोनों को लिया गया, बेस्ट एंड हिप, WHR रेशियो, बेस्ट एंड हिप. एंड अब हम बात करते हैं एवलुएशन की. एवलुएशन मूल्यांकन जैसे कि होता है, एवलुएशन ऑफ टेस्ट, एवलुएशन ऑफ टेस्ट देख लीजिए. वुमेन्स के देख लीजिए, वुमेन्स के लिए कि कितने रेशियो तक होता है, तो वो एकदम हमारा फिट और अट्रैक्टिव होता है. द रेशियो अराउंड 0.7 इज कंसीडर्ड good and health among women. देखिए, जो वुमेन्स के लिए हमारा हिप रेशियो रखा गया है, रेशियो अराउंड 0.7, अगर इतना कंसीडर, इतना आता है, तो वो हमारा गुड और हेल्थ दोनों के लिए बेटर होता है. वुमेन्स में रेशियो अराउंड 0.7 इज कंसीडर्ड गुड एंड हेल्थ, कंसीडर्ड किया गया कैसा, अच्छा और हेल्दी, अमंग वुमेन, वुमेन्स में. ठीक है, रेशियो अराउंड, अब यहां देख लेते हैं हम मेंस के लिए. द रेशियो अराउंड 0.9, ये देख लेते हैं, 0.9 इज कंसीडर्ड गुड एंड हेल्थ अमंग फॉर मैन. अगर 0.9 आता है तो ये गुड होता है, किसके लिए, मेंस के लिए. अगर इससे कम आता है, इससे ज्यादा आता है, तो वो कैसा होता है, बैड होता है. अगर द पर्सन हैव लेस चांसेस, जस्ट ए मिनट, अगर ये हमारा फिजिकी होता है, अगर इतना रेशियो हमारा कंसीडर्ड होता है मेन के लिए, इतना 0.9 हमारा कंसीडर्ड होता है मेंस के लिए, एंड 0.7 हमारा कंसीडर्ड होता है किसके लिए, वुमेन्स के लिए. ठीक है, तो ये गुड एंड हेल्दी होता है. अगर इससे कम होता है या इससे ज्यादा होता है, तो उसमें हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लाइक डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर, लाइक डायबिटीज हो सकती है,
कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर हो सकता है, यानी कि हमारा हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, कैंसर, दिस प्रॉब्लम विल आल्सो लुक अट्रैक्टिव। अगर हम ज्यादा अपने आप को फिट करने की कोशिश करेंगे, इससे कम करने की कोशिश करेंगे, तो हमें कुछ डिजीज है जो जकड़ सकती है, या फिर हम ओवर हो जाने की वजह से हमें कुछ डिजीज है जो हमें जकड़ सकती है, तो जिससे हमें बीमारी जो डिजीज है हमें पकड़ लेगी। इसलिए जो कंसीडर्ड किया गया है मैन के लिए, वुमेन के लिए, जो हमारा रेशियो कंसीडर्ड किया गया है बेस्ट एफ रेशियो, वो 0.7 एंड 0.9। अब हम एक टेबल देखेंगे, रेशियो टेबल, WHR टेबल। WHR टेबल, अब हम देखेंगे WHR टेबल। WHR टेबल, बेस्ट हिप रेशियो WHR, बेस्ट टू हिप रेशियो रैंक्स फॉर स्टैंडर्ड। ठीक है, यहां हमारा सेक्स होगा, सेक्स, फीमेल एंड मेल, फीमेल एंड मेल, फीमेल एंड मेल, एक्सेप्टेबल, अनएक्सेप्टेबल, ठीक है, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, गुड, एक्सीलेंट, गुड,
एवरेज हाई एंड एक्सट्रीम, एवरेज हाई एंड एक्सट्रीम। सॉरी फॉर लेट, टेबल बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। सेक्स होता फीमेल एंड मेल, ठीक है। एक्सीलेंट, मेल के लिए एक्सीलेंट क्या हमारा रेशियो होगा, वो होगा जैसे कि 0.75। एक्सीलेंट रेशियो क्या होगा हमारा, जो एक्साइटेबल होगा फीमेल्स के लिए क्या होगा 0.75, क्या होगा हमारा 0.75, एंड फीमेल के लिए क्या होगा 0.85। गुड, देख लो 0.75 टू 0.80 एंड 0.85 टू 0.90। एवरेज में देख लेते क्या होता है, 0.80 टू 0.85। अगर मेल एवरेज में देख लो तो क्या होगा 0.90 टू 0.95। ओके, एंड हाई में देख लो 0.85 टू 0.90 एंड मेल में देख लीजिए 0.95 टू 1.00 एंड मोर देन, वो तो हमारा लगता है मोर देन 0.90 एंड मोर देन 1.00, ठीक है। देखो बेस्ट इफ रेशियो जो क्या होता है, एक्सेप्टेबल होता है अनएक्सेप्टेबल होता है मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए। एक्सेप्टेबल क्या होता है, एक्सीलेंट और गुड। लेस देन कितना होना चाहिए, जो लेस देन होगा हमारा बिल्कुल लो होगा वो हमारा होगा 0.75, ठीक है। एक्सीलेंट होगा वो फीमेल्स के लिए, मेल के लिए हमारा जो लेस देन होगा वो 0.85 होगा, ठीक है। गुड देखा जाए, अगर गुड देखा जाए गुड कि ठीक ठाक है अच्छा है, तो वो होता है हमारा 0.75 से 0.80 तक, ये हमारा फीमेल्स के लिए होता है, एंड मेल्स के लिए होता है 0.85 टू 0.90। अनएक्सेप्टेबल जो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा वो है हमारा एवरेजेबल होता है, जो 0.80 माइनस सॉरी टू 0.85 फीमेल में एवरेज लेवल का होता है, जो मेल में होता है 0.90 टू 0.95 ये हमारा एवरेज होता है मेल फीमेल दोनों का। हाई देख लीजिए मेल फीमेल का, फीमेल का देखिए 0.85 टू 0.90 एंड मेल में 0.95 टू 1.00 यानी कि मोर देन। एंड एक्सट्रीम में देख लीजिए कितना होना चाहिए एक्सट्रीम, ठीक है, जो अनएक्सेप्टेबल होता है हमारा मोर देन 0.90 एंड मोर देन 1.0। तो ये होता है हमारा बेस्ट टू हिप रेंजेस ऑफ स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड हमारा एक टेबल होता है। सो टूडेज इज टॉपिक इज फिनिश्ड, थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।